हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ड्रीम्स। आज हम करेंगे चैप्टर 7, फ्रैक्शंस। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में। हम पहले कर चुके हैं 1/2, 3/4, 5/8 एंड सो ऑन। जैसे 1/2 है, ये होता है हमारा न्यूमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। जो ये वाले फ्रैक्शंस होते हैं, ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है न्यूमिनेटर से ज़्यादा होती है। इट मीन्स जो हमारी ये नीचे वाली वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी ऊपर वाली वैल्यू से। यहाँ पर जो न्यूमिनेटर की वैल्यू होती है, न्यूमिनेटर की वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करती है जो हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो हमारी रिप्रेजेंट करती है टोटल नंबर ऑफ पोर्शन। ये तो हुए हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? अगर हमारी वैल्यू जो न्यूमिनेटर की वैल्यू होती है और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा हुई, इफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन वो क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3, 7/4, इनमें क्या होता है, जो न्यूमिनेटर है हमारा 5 और डिनोमिनेटर 3 है, तो न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो ये होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन में होती है वैल्यू, जैसे 1/2 है, प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू होती है इसकी वो लेस देन 1 होगी। 1/2 की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शनों की वैल्यू होती है, जैसे 5/3 की वैल्यू है तो वो ग्रेटर देन 1 होगी। 7/4 की वैल्यू वो भी ग्रेटर देन 1 होगी। यानी कि जो भी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, यानी कि जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी, उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इसके बाद आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, यानी कि जैसे 5/3 है, 5/3 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 2 हमारा रिमाइंडर आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जब कोशेंट रिमाइंडर और यहाँ पर डिवीजर, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है। तो इस केस में हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 से, फिर 2, फिर 3, 1, 2 एंड 3। ये हो गया हमारा कोशेंट, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर। ये क्या होगा? ये होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये करने के बजाय हम दूसरे मेथड से भी हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 5/3 था, 5/3, 5 को हम लिख सकते हैं 3+2। 3+2 क्यों लिया? क्योंकि हमारा 3 है नीचे, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/3 + 2/3।
थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, वन रह गया। अब हम लिखेंगे इसको वन प्लस टू अपॉन थ्री। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वन प्लस टू बाय थ्री को वन टू अपॉन थ्री, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, चाहे इस मेथड से आप कर सकते हो या फिर इस मेथड से कर सकते हो, दोनों ही ठीक होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए पार्ट है वन अपॉन टू, वन अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर एंड फोर अपॉन फोर। हमें इन रिप्रेजेंटेशन को, इन फ्रैक्शंस को हमें नंबर लाइंस पर पॉइंट करना है, लोकेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि हम देखते हैं, जो फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वन अपॉन टू, उसमें डिनोमिनेटर है टू है, बाकी सब जो ये तीन दिए हुए हैं हमें फ्रैक्शन, इनमें जो डिनोमिनेटर है वो फोर है। तो फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला डिनोमिनेटर है, यानी कि टू को हमें फोर बनाना है। तो हम ये कर सकते हैं, वन हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, टू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ऊपर वन इंटू टू टू हो गया, टू इंटू टू फोर हो गया। तो हम इसको वन अपॉन टू को टू अपॉन फोर भी लिख सकते हैं। अब हम नंबर लाइन पे देखेंगे, हमारी नंबर लाइन है जीरो वन टू थ्री फोर। हमने नंबर लाइन को फोर इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू फोर है, यानी कि फोर हमारे टोटल पार्ट हो गए और टू हमें रिप्रेजेंट करना है। तो टू अपॉन फोर कहाँ पे होगा? जीरो वन टू, ये फोर पार्ट में से जो टू पार्ट है, टू अपॉन फोर होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू अपॉन फोर, वन बाय फोर। वन बाय फोर में क्या है, टोटल पार्ट फोर है और वन को रिप्रेजेंट करना है हमें जो फ्रैक्शन की वैल्यू है। तो जीरो वन, वन अपॉन फोर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है थ्री बाय फोर, ऐसे ही जीरो वन टू थ्री, तो थ्री बाय फोर यहाँ आ जाएगा। फोर बाय फोर, नेक्स्ट फोर आ गया, तो फोर बाय फोर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम फर्स्ट का सी पार्ट, टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, एट अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव, ये हमें दिया हुआ है। हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम नंबर लाइन ले लेते हैं एक। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने से पहले हम देखेंगे, जैसे न्यूमिनेटर में जो ये टर्म है, ये भी डिनोमिनेटर से कम है, ये भी डिनोमिनेटर से कम है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है एट अपॉन फाइव, ये वाली वैल्यू, इसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो यानी ये हमारा क्या हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एट अपॉन फाइव है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम एट को लिख सकते हैं फाइव प्लस थ्री अपॉन फाइव। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो हमें फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो फाइव जो पॉइंट है हमारे टोटल, उनसे तीन पॉइंट एक्स्ट्रा पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो टोटल पार्ट हमारे फाइव हैं, तो हमें तीन पॉइंट एक्स्ट्रा लेने होंगे। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, जैसे ये हमारी नंबर लाइन होगी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। क्यों? क्योंकि तीन पॉइंट एक्स्ट्रा लेने हैं,
सेवन एट, ये हम 8 पॉइंट ले लेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है 2/5, तो 2/5 कहाँ होगा, ये हमारा यहाँ होगा 0 1 2, 2/5 यहाँ होगा, तो 2/5 हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है 3/5, 3/5 यहाँ होगा। नेक्स्ट है 8/5, 8/5 ये है 5 + 3/5, इनकी 5 पॉइंट ये रहा हमारा, 5 से 3 पॉइंट नेक्स्ट जाना हमें, तो 1 2 3 यहाँ हमारा हो जाएगा 8/5। या हम ये भी कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 8/5 है तो 8/5। नेक्स्ट है 4/5, तो 4 यहाँ रहा, 4/5 यहाँ आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, ए पार्ट है जैसे 20/3, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे हम देखेंगे ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड हमने पढ़े थे, हम दोनों मेथड यहाँ पर करवा के देखेंगे, आपसे करवाएंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा ट्वेंटी को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, रिमाइंडर 2, तो हम लिख सकते हैं 20/3 इक्वल टू 6, रिमाइंडर 2/3, ऐसे लिख सकते हैं हम। मेथड सेकंड है 20/3, हम इसको लिख सकते हैं 18 + 2/3। हमने 18 यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि 3 की टेबल में हम जब 20 तक जाते हैं तो 18 पे जाके हम रुक जाते हैं, क्योंकि 18 के बाद 21 आता है जो हमारे 20 से ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें 18 लिखा है, 18/3 + 2/3 ये लिख सकते हैं हम। 3 6 18, तो 6 + 2/3, तो हम इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 2 * 3, तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का सी पार्ट, 17/7, तो हम इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 17/7 को हम लिख सकते हैं 14 + 3 = 7, या फिर 14/7 + 3/7, 7 2 = 14, 2 आ गया, 2 + 3/7, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 * 3/7, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है एफ पार्ट 35/9, हमें पता है 9 9 3 = 27, 9 4 = 36, 36 हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी कि 9 3 = 27, यानी कि 27 + 8/9, 27/9 + 8/9, 9 3 = 27,
एट अपॉन नाइन एज इट इज, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 इज टू 8 अपॉन 9, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें ए पार्ट दिया हुआ है 7 इज टू 3 अपॉन 4, हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7, जैसे हमने पहले लिखा था, तो प्लस 3 अपॉन 4, ये लिख सकते हैं। इसमें क्या है, 7 हमारा न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसका 1 है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। फोर और वन का एलसीएम क्या आया, 4, 1 4 जा 4, 4 हो गया, 7 इंटू 4 प्लस 4 1 जा 4 1, 1 3 इंटू 1, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 4, 28 प्लस 3 31 अपॉन 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, 10 इज टू 3 अपॉन 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 3 अपॉन 5, इसमें डिनोमिनेटर 1 है, इसमें डिनोमिनेटर 5 है, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ गया 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 5 जा 5 यानी 10 इंटू 5 प्लस 5 1 जा 5 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 10 5 जा 50 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 5, 50 प्लस 3 53 अपॉन 5, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट, 8 इज टू 4 अपॉन 9, हम इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 4 अपॉन 9, डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे 1 और 9 का, 9 एलसीएम आ जाएगा, 1 9 जा 9 8 इंटू 9 प्लस 9 1 जा 9 4 इंटू 1, 8 9 जा 72 72 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 9, 72 प्लस 4 76 अपॉन 9, ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ आर वीडियो, सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।